तो आज की इस नई वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही एक धमाकेदार एप्लीकेशन लेके आए हैं दोस्तों, जहां पर आप अपने फोटो को बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रेम में ऐड कर सकते हैं। और उस फोटो को दोस्तों आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक जैसे बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे शेयर कर सकते हैं और अच्छे खासे वहाँ से आप लाइक पा सकते हैं। बहुत ही धमाकेदार एप्लीकेशन है दोस्तों। तब चलिए हम आपको दिखाते हैं वह कौन सा एप्लीकेशन है और किस तरह से आप उसे डाउनलोड करेंगे और किस तरह से आप उसे यूज करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और यहाँ पर आपको अपने स्मार्टफोन में एक छोटा सा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है PicLayer। और इस एप्लीकेशन का लिंक हम आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से जाकर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जब इस एप्लीकेशन को आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ना ही कोई परमिशन देना है और ना ही कहीं पर आपको साइनअप करना है। फाइनली जो इसका इंटरफेस होगा कुछ इस तरह से होगा और यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी के फोटो फ्रेम मिल जाएंगे जिसमें ऊपर आप देख सकते हैं ट्राइप है, द फायर है, मैजिक वीडियो है और यहाँ से दोस्तों आप अपने फोटो से वीडियो भी बना सकते हैं, फेसबुक के स्टोरी में लगा सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं मैजिक है, ट्रू लव है, लाइटिंग है, बहुत सारा दोस्तों है, आप देख लीजिएगा। क्योंकि अगर हम आपको सभी के सभी दिखाने लगे दोस्तों तो वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा जो कि कोई काम का नहीं होगा। तो चलिए अब किसी एक फ्रेम में हम आपको अपने फोटो को ऐड करके दिखाते हैं। तो जिस फ्रेम में आप अपने फोटो को ऐड करना चाहते हैं दोस्तों उस फ्रेम के ऊपर आपको करना है। टैप करने के बाद दोस्तों आपका जो गैलरी होगा ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप जिस फोटो को वहाँ पर लगाना चाहते हैं उस फोटो को यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम किसी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर आपको टैप करना है और टैप करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा इंतजार करना है और फाइनली जो यह फोटो होगा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आ चुका है और यहाँ से आप अपने मन मुताबिक इसे सेट कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से आप इसे मतलब अच्छी तरह से फिट कर लीजिएगा ताकि अच्छा लगे। इसके बाद दोस्तों ऊपर में आपको राइट के आइकॉन मिलेगा तो आपको राइट के आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा दोस्तों यह इमेज आपके गैलरी में जाकर सेव हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप इसे सेव कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। नीचे में आप देख सकते हैं कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस एप्लीकेशन के थ्रू से आप अपने फोटो में अच्छे अच्छे फ्रेम लगा सकते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त ऐसा ही वीडियो आगे भी आप तक पहुंचा सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।